हाय एवरीवन, सो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी का हलवा, जिसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो के करीब लौकी थी, आधा किलो की लौकी थी आई मीन, तो उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और घी गरम होने के लिए रख दिया, घी गरम हो चुका था तो मैंने बंद कर दिया है, तो अब इसको वो करेंगे। और एक गिलास दूध दिया है, दूध को मलाई के साथ लिया है मैंने, तो देखिए ये मलाई वाला दूध है, ये एक गिलास हो गया। और थोड़ी सी चीनी ली है, और क्योंकि मैं मिल्क में डालूंगी थोड़ा सा ऊपर से, तो आप अपने अंदाजे से शुगर और दूध वगैरह अपने एडजस्ट कर सकते हैं। आप थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डालूंगी, थोड़ी सी इलायची डालूंगी, दैट्स इट। तो अब देखिए, अब इसको ऐसे डाल के मैं अब इसे भून लेंगे हम, और इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी सारा एब्जॉर्ब ना हो जाए। जब तक पानी एब्जॉर्ब होगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। एक्चुअली इसको भूनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अभी बस जस्ट आप भूनते जाइए जब तक इसका पानी रिड्यूस होके बिल्कुल ये सूख ना जाए और ये थोड़ा पक ना जाए। और जब ये पक जाएगा तब हम इसमें ये जो दूध रखा है यहाँ पे, ये दूध हम इसमें डाल देंगे। तो अभी तो मुझे लगता है 5 से 7 मिनट लगेगा अभी इसको थोड़ा पकने में, तो अभी इसको पकने देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी था लौकी में वो सारा इवॉपरेट हो चुका है और ये पक भी चुकी है लौकी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो मलाई वाला हमारा दूध है ना, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और गैस के फ्लेम को तेज रख के और इसको पूरा सुखाएंगे अच्छे से। तब तक इसको हम चलाते रहेंगे और मतलब ध्यान रखेंगे गैस का कि कहीं जल वल ना जाए। तो यहाँ पर खड़े होके हमें इसको कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहना है। सो बस यही है करना, बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है और 3-4 चीज़ों में ये आराम से बन जाता है, और बात मानिए बहुत ही टेस्टी होती है ये। स्टेज पे मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है ये डाल देती हूँ, और थोड़ा सा ये 1 चम्मच के करीब भर के मिल्क मेड भी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि दूध। तो देखिए यहाँ बन के तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी सा हलवा लौकी का, और इसमें मैंने कार्डमम भी ऐड कर दिया था। स्टेज पे मैंने चीनी भी डाल दिया है, और चीनी डाल के और अच्छे से इसको और थोड़ी देर पकाएंगे। सो देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी लौकी का हलवा। सो सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।